हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। कॉटन फैब्रिक है ये। इससे मैं पैंट बनाने वाली हूँ, लेडीज पैंट ट्राउज़र। तो इस तरीके से पहले हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए अंदर की साइड में सीधे वाले कपड़े को रख रही हूँ और बाहर उल्टी साइड रहेगी जिस पे हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए इसे हम ऐसे हाफ फोल्ड कर लेंगे। ये जो दो किनारी है दोनों एक साथ रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और चलिए यहाँ पे हम लेंथ ले लेंगे और प्लस 2 इंच। यहाँ पे हमारा लेंथ 34 है और 2 इंच मैंने यहाँ पे ये 36 लिया है। और यहाँ पे 11 इंच पे मार्क करेंगे हिप के लिए। और इस साइड से ये जो तन्नी है इसकी उसको कट कर देंगे। यहाँ पे मार्क कर दिया है मैंने। और कमर पे देखिए यहाँ पे हम कमर का चौथा हिस्सा लेंगे और प्लस 3 इंच लेंगे, यानी इधर से भी हम 11 इंच लेंगे। तो 11 इंच और 11 इंच का ये लंबाई को हम एक बॉक्स बना देंगे। और जो ये मार्क कर रही हूँ इधर से हम कट करके हटा देंगे कपड़ा। तो देखिए इधर से हम 11x11 का एक ऐसे बॉक्स बना देंगे। और यहाँ पे हम हिप को बढ़ा देंगे 3 इंच में एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये देखिए तो इस तरीके से मार्क कर देंगे। और यहाँ से अब हम ये शेप दे देंगे आसन के लिए, हल्का सा गुलाई में ऐसे कर देंगे। और इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। तो देखिए जितना सेंटर आ रहा है हमारा उसका हम ये हम पैर के साइड में मोहरी बना रहे हैं। इधर देखिए सेंटर से मैंने ऐसे कर लिया है और दोनों साइड 3-3 इंच का रख लिया है। और जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे यहाँ पे ऐसे मार्क कर ले रहे हैं देखिए। और उसको हम फोल्ड कर देंगे। जो ये है ये बॉटम था। और देखिए अब ये आसन वाले को और ये बॉटम को ऐसे हम ज्वाइंट कर देंगे पैंट वाले जो शेप होते हैं वैसे। ये पहली वाली लाइन नहीं है, ये दूसरी वाली लाइन है। और इस साइड से भी ऐसे हम मिला लेंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग हो चुकी है। और देखिए कमर पे हम यहाँ पे टक्स लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे भी सेंटर में मार्क कर लेंगे और 4 इंच मैंने इसे लंबाई में किया है। ऐसे ही दूसरे साइड भी कर लेंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट ये कटिंग हुआ है। तो इसको मैं रख दी हूँ कपड़े के ऊपर। देखिए इस तरीके से। तो इस साइड हमें अब बढ़ाना है, आसन के साइड में हमें बढ़ाना है। और ये जो साइड वाली साइड है इस साइड हम कुछ नहीं करेंगे, इसके बराबर में ही कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऊपर 2.5 इंच बढ़ा देंगे आसन जिस साइड से उस साइड में, और चौड़ाई में भी 2.5 इंच बढ़ा देंगे। इस तरीके से। और जब ये है आसन वाला जगह यहाँ भी हम 2.5 इंच बढ़ा देंगे। ये बैक पार्ट के लिए यहाँ मार्क हो रहा है, फ्रंट पार्ट तो हमारा कटिंग हो चुका है। और इसमें भी हम ऐसे शेप बना देंगे। और साइड से ये एकदम बराबर रहेगा। और बस ये जो जॉइंट वाला जगह है वहीं से ये 2.5 इंच बढ़ा हुआ है। देखिए इस तरीके से ये तिरछा है। देखिए अब तो वहाँ तक कटिंग हो गया। और इस साइड से हम जो पैर वाला साइड है वहाँ से 1.5 इंच का एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो इस तरीके से 1.5 इंच पे मार्क कर देंगे और इसे पूरा बॉटम तक करेंगे। और साइड से बिल्कुल बराबर काटना है हमें, जैसे कि पहला काटा हुआ है उसी तरीके से।
तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। और देखिए ये पैंट की कटिंग हो गई, ये देखिए फ्रंट पार्ट, और ये जो बड़ा वाला साइड है वो बैक साइड का है। और दोनों का कमर देख लीजिए, उस हिसाब से हम इसके लिए बेल्ट भी निकाल लेंगे, ऊपर बेल्ट ज्वाइंट करने के लिए। आगे बेल्ट रहेगी और पीछे साइड में इलास्टिक ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों के साइज़ का मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है और पैकेट अप कटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे हम 10 इंच लिए हैं लंबाई, और इस साइड से हम 7.5 पे मार्क करेंगे और इस तरीके से कुछ शेप दे देंगे। आप स्क्वायर में भी रख सकते हैं, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गोलाई में ऐसे कर दे रही हूँ, ये देखिए इसको बीच से कट कर देंगे। देखिए ये दो लेयर में कटिंग करना है, तो इसके भी कटिंग हो गई। तो चलिए अब इसको पहले सिलाई कर लेते हैं। कटिंग तो हमारी हो गई कंप्लीट, तो सबसे पहले हम आसन ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए ये बैक पार्ट है, और ये देखिए अंदर में सीधा साइड है, तो जैसे है कटिंग हुआ है, बस उस पर हमें यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इसी शेप पे सिलाई कर देनी है। तो इस तरीके से हम दोनों आसन को सिलाई कर देंगे, बैक बैक में और फ्रंट वाले फ्रंट में, इस तरीके से देखिए। और इसको ऐसे खोलकर यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ये सिलाई हो गई। इसी तरीके से हम दोनों को कर लेंगे, और यहाँ पे ये टक्स लगाना था तो इससे भी लगा लेते हैं। हाफ इंच पकड़ेंगे ऊपर से, ये देखिए इस तरीके से इस साइड भी हमने लगा लिया है। देखिए ये सीधी साइड है, तो इस साइड देखिए अब हम ये पैकेट लगाएंगे। तो सीधी साइड ऐसे रख रहे हैं, यहाँ 7 इंच पे एक मार्क करेंगे, और ऊपर से 1 इंच पे एक मार्क करेंगे। और 1 इंच से हल्का सा कम अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। हाफ इंच से ज़्यादा है और 1 इंच से कम है, और उसी वाले मार्क पे सिलाई कर देंगे वैसे ही। ये देखिए हो गया सिलाई। तो देखिए इसको कटिंग कर लेना है, यहाँ से कोने पे ऐसे कट कर लेंगे और इस साइड भी कट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा हमारा ये मार्जिन है हल्का सा, आप चाहे तो उसे कट करके हटा सकते हैं या इसमें भी रहने दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कट कर दे रही हूँ इस तरीके से। आप सीधा कर लेंगे इसे, और इस पर भी एक टॉप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए हो गया, इससे हमारी फिनिशिंग सही आ जाती है। और देखिए ये मैंने बाहर किया है वो जो पैकेट लगाया है, और उसके ऊपर ये दूसरा वाला पैकेट रखा, और इस तरीके से सिलाई कर देंगे। और उसके बाद अब सीधा करेंगे और इस पर भी एक टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसको अटैच कर देंगे और साइड से भी इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से पैकेट बन गया है। तो चलिए अब इसमें हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। ये सीधी साइड की तरफ है, और ये है देखिए इसकी ये सीधी साइड। तो सीधी साइड पट्टी की मैं ऊपर रख रही हूँ देखिए,
और उसके ऊपर ये पैंट रख रही हूँ फ्रंट पार्ट वाला, तो दोनों का सीधी साइड ऊपर के साइड में है और ऐसे इसको सिल लेंगे। ये देखिए एक तरफ से हो गया, अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे और ऐसे इस पर सिलाई लगा लेंगे। ऐसे बराबर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है इस पर। ये देखिए ये हो गई, तो ये जो हमारा फ्रंट का पैनल है ये कंप्लीट हो गया और बैक वाले पे भी कर लेते हैं। आसन इसका जॉइंट हो चुका है और इस पर अब बेल्ट लगाएंगे, तो इसको भी हम सेम उसी तरीके से लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे बेल्ट मैंने अटैच कर दिया है और अब इलास्टिक लगाते हैं इसमें। तो ये हमने यहाँ पे अपने मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे इलास्टिक ले लिया है, यहाँ पे 15 इंच है ये। तो पहले यहाँ एक दो बार ऐसे अच्छे से सिल लेंगे तो ये अच्छे से लॉक हो जाएगा। फिर फोल्ड करेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे और उसके बाद ऐसे ऊपर फोल्ड करेंगे। और ये जो हम सिलाई लगाएंगे इलास्टिक पे, हमें सिलाई नहीं लगानी है, हमें इलास्टिक से बाहर सिलाई लगानी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये देखिए जब इतना सिल लेंगे तो इलास्टिक को हम खींचेंगे, ऐसे फैला फैला कर सिलते रहेंगे, इसीलिए हमें इलास्टिक को नहीं पकड़ना है, क्योंकि अगर सिलाई हो जाएगी इलास्टिक तो फिर हम उसे ऐसे नहीं खींच सकते हैं। और इसे हमें पूरे कमर में लगाना है, बैक साइड में, लेकिन यहाँ तक हमें आना चाहिए ये। अब जब ये पूरा हो गया तो इस साइड से भी अच्छे से लॉक कर देंगे इलास्टिक को। तो देखिए यहाँ पे लग गई, अटैच हो गई है बेल्ट और इलास्टिक भी लग गई है। अब साइड से इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखिए सीधी साइड दोनों की अंदर साइड रखेंगे और जो उल्टी साइड है बाहर की तरफ रख के उस पर साइडों से पहले सिलाई लगा लेंगे। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि पॉकेट हम उसमें सिलाई में ना दबे, जितना मार्जिन रखा है बस उतना ही सिलाई करनी है। तो चलिए सिल लेते हैं। देखिए हमने दोनों साइड का सिलाई कर लिया है और अब हम देखिए इसको क्या करना है। अब बीच वाली सिलाई करेंगे तो जो आसन का ये जोड़ है उसको हमें एक साथ रखना है, उसके बाद जो कपड़ा अगर बड़ा छोटा होता है तो होने देना है, लेकिन ये जो जॉइंट वाला जगह है हमें बराबर रखना है। और इस तरीके से इधर भी मिला लेंगे। और देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा दूर ऐसे खुला रखी हूँ ताकि ये जो बॉटम है हमारा हम फोल्ड कर सकें। तो चलिए बॉटम फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए दोनों बॉटम फोल्ड हो गया है और अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसे हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे सिलाई लग गई है। और ये देखिए पैंट बनके रेडी है।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।